हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छे रहने की। यहाँ आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पे रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे कब क्या हो सकता है। हम लोगों को यहाँ पे बेसमेंट और बंकर्स में रखा गया है अपार्टमेंट के, और जिन लोगों के अपार्टमेंट के नीचे बेसमेंट नहीं है या बंकर नहीं है तो उन लोगों को मेट्रो स्टेशन में बोला गया है रहने के लिए, वो सेफ जगह है। मैं अभी मेरे कॉलेज वी एन कराजिना के हॉस्टल के बेसमेंट में हूँ अपने सारे फ्रेंड के साथ। तो आप लोगों के मैसेजेस और कॉल से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अभी मैं बहुत डरी हुई हूँ सच बताऊँ तो, और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कल से ही वॉर स्टार्ट है। कल सुबह 5 बजे से ही फायरिंग स्टार्ट हो गया था। मैं खार्किव सिटी में रहती हूँ और खार्किव सिटी रसिया से 70 से 80 किलोमीटर ही दूर है। कल सुबह यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे से सो रहे थे, लेकिन अचानक से 5 बजे सुबह फायरिंग स्टार्ट हो गया। रसियन मिलिट्री ने बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दिया, मिसाइलें छोड़ी है। कल बहुत बहुत जोर जोर से धमाका हो रहा था गाइज, मैं बता नहीं सकती। मैं तो बेड पे पड़ी पड़ी सुन पड़ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक्सप्रेस नहीं कर सकती यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज। अभी हम लोग बंकर्स में, और बंकर्स इतने ठंडे हैं, टेम्परेचर सब कह रहे हैं -2 डिग्री है बंकर्स का ठंड की वजह से, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा होगा। हम लोग कांप रहे हैं, जैकेट पहने हुए हैं, फिर भी बहुत ठंड लग रही है हम लोग को बंकर्स में। और खाना हम लोग के पास है बट बहुत लिमिटेड है, पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि ये वॉर पता नहीं कब तक चलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्रीज तो शहीद हुए ही हैं, बहुत सारे जवान तो शहीद हुए ही हैं, साथ में नॉर्मल सिविलियंस भी बहुत सारे मारे जा रहे हैं। अभी मुझे पता चला है 135 से 140 के लगभग लोगों का डेथ हुआ है, और बाकी तो मुझे पता नहीं। हम लोग अभी यहाँ पे हॉस्टल में हैं, तो यहाँ पे जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखती है, उन लोगों की तरफ से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। खाना अवेलेबल किया जा रहा है, मेस में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को खाना मिल रहा है खाने के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जो अपार्टमेंट या फ्लैट में जो स्टूडेंट रह रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को गाइड करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो लोग मेट्रो में हैं और मेट्रो दोनों तरफ से खुला हुआ है, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा वहाँ पे। और वहाँ पे पानी की भी अच्छे से सुविधा नहीं है गाइस, वहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है, मेरी फ्रेंड बता रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोगों को। अभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, हर यहाँ पे बिल्डिंग्स पे भी बहुत सारी फायरिंग हुई है। मेरे अपार्टमेंट के बगल में जो बिल्डिंग है उसमें आग लग गई थी, कब क्या हो जाएगा कोई भी नहीं जानता। तो गाइज मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो मेरी ये, और हैशटैग यूज़ करो, ट्रेंड में करो, और पीएम मोदी को मैसेज करो ताकि वो हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाले। कुछ कुछ न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के थ्रू बच्चों को इवैक्यूएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हंगरी, रोमानिया और पोलैंड, बट वहाँ तक हम नहीं जा सकते क्योंकि खार्किव बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है, तो हम लोग किसी भी एंगल से वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं चल रही है, कोई टैक्सी कार बस नहीं चल रही, यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इंडियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्वीट करो या मैसेज करो या जो भी आप लोग से हो पाता है, जो भी बन पड़ रहा है प्लीज़ आप लोग करो, ताकि हम लोगों को भी जल्द से जल्द निकाले यहाँ से।